عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़्ल व करम से आज की तरावीह में सूरह बकरा मुकम्मल कराई, सूरह आले इमरान का कुछ हिस्सा भी पढ़ा गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो सूरतों के नाम रखे उन नामों की कोई मुनासबत होती है सूरतों के मजमून के साथ। इस सूरत का नाम है सूरतुल बकरा, जो शुमार के एतबार से कुरान की दूसरी सूरत है और अपने हजम और आयात और रुकुआत के मकदार के एतबार से कुरान की पहली सूरत है। यह कुरान की सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा। अल बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। एक खास वाकया पेश आया था बनी इसराइल में, जिसका ताल्लुक एक गाय से भी है। मैं इस वक्त आपको वाकये की तफसील नहीं सुनाऊंगा। इस सूरत में ज्यादातर बनी इसराइल का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने उनको जिन नेमतों से नवाजा था उन नेमतों का भी तज़किरा है और इन नेमतों के जवाब में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की उन्होंने जो नाशुक्री की उसका भी तज़किरा है। होना तो ये चाहिए कि नेमतें मिले तो गर्दनें झुक जाएं, दिल शुक्र के जज्बात से लबरेज हो जाए। लेकिन बनी इसराइल के यहां मामला उल्टा था। अल्लाह ताला उनको मुस्तकिल अपनी नेमतों से नवाज रहे थे और वो लोग मुस्तकिल ना शुक्री करते थे, सजाएं मिलती थी, फिर तौबा करते थे, फिर अल्लाह का मामला बदलता था, फिर तौबा तोड़ते थे। अंबियाए किराम समझाते थे तो नबियों की बात मानने के बजाय ये उनके दुश्मन हो जाते थे, ये उनकी मुखालफत करते थे, ये उनके खिलाफ साजिशें करते थे। और आपको ताज्जुब होगा इस बात पर कि आखिर कुरान पाक में इन नाफरमानों का बार बार तज़किरा क्यों आया है। ये तो अपनी नाफरमानियों की सजा भुगत चुके, ये तो अल्लाह की निगाहों से गिर चुके, इन पर तो जिल्लत मुसल्लत हो चुकी। दुनिबत अलैहिम अज़िल्लत व अइनमा सुक़िफू, अल्लाह ने फरमाया आप ये दुनिया में जहां भी होंगे इन पर जिल्लत मुसल्लत रहेगी। तो कुरान जैसी बाबरकत और मुकद्दस किताब हिदायत में इन नाशुक्रों और नाफरमानों का इतना तज़किरा क्यों आया, ये एक सवाल है जो ज़हनों में आता होगा या आना चाहिए। इसका जवाब यह है कि हकीकत में यह उन लोगों का तज़किरा नहीं है, यह हकीकत में हमारा और आपका तज़किरा है। माजी के आईने में इस उम्मत को मुस्तकबिल दिखाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साफ साफ
अपनी उम्मत को ये बात बतलाई थी कि धीरे धीरे तुम्हारा मिजाज भी बिल्कुल वही हो जाएगा जो बनी इसराइल का, वही सब कुछ तुम भी करोगे जो उन्होंने किया था। वो उस दौर के मुसलमान थे, तुम इस दौर के मुसलमान हो। फिर सजाएं भी मिलेंगी, लेकिन चूंकि वो भी मुसलमान थे ना, कलमा पढ़ते थे, तो सब एक जैसे नहीं होते थे। खुद कुरान ने गवाही दी, लैसु सवा मिन अहली किताब उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाह आना अल्लैल वहुम यस्जुदून। सब एक जैसे नहीं है, इनमें कुछ बहुत नेक भी हैं, कुछ बहुत मुत्तकी और परहेजगार भी हैं, कुछ इबादत गुजार तहज्जुद गुजार भी हैं, कुछ शब जिंदादार भी हैं, कुछ रातों में रोने वाले और आंसू बहाने वाले भी हैं। ये जो नेमतें मिलती हैं ये उनकी बरकत से मिलती हैं, और जो मुसीबतें आती हैं वो आम मुसलमानों के गुनाहों की नहुसत की वजह से आती हैं। उनके यहां भी यही होता था, कुछ रोने वाले थे, कुछ मांगने वाले थे, कुछ रातों में अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाले थे, कुछ आंसू बहाने वाले थे, जो सबकी तरफ से माफी मांगते थे, जो सबके लिए अल्लाह से दुआएं मांगते थे, और उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजते थे। कुछ बेइंतहा बिगड़े हुए थे, गुनहगार थे, जिनके गुनाहों की नहुसत की वजह से अमूमी मुसीबतें आती थी। हत्ता कि उन्हीं गुनाहों की नहुसत की वजह से बार बार अल्लाह ताला उन पर जालिमों को, मुशरिकों को और काफिरों को मुसल्लत कर देते थे। वो आकर उनको मारते, पीटते, सजाएं देते। और सिर्फ उन्हीं को मारते पीटते नहीं, अल्लाह ताला इतनी ढील देकर उन दुश्मनों को भेजते थे कि वो आकर अल्लाह के घर को भी गिरा देते, इन नाफरमानों के घरों को भी गिरा देते, अल्लाह की किताब को भी जला देते। और सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया उन जालिमों को हमने भेजा था। बनी इसराइल तो एहतजाज करते थे, असल में हम मुसलमान हैं, ये मुतासिब लोग हैं, ये हमसे तासुब का मामला करते जो हमारा एहतजाज होता है इस जमाने में, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हमने भेजा था। एक बार नहीं, दो दो बार हमने भेजा था। तो असल में पूरे कुरान में अमूमन और सूरतुल बकरा में खुसूसन अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल के वाकयात जिक्र फरमाए हैं, ये हमको और आपको आईना दिखाया गया है, हमें इन वाकयात में अपनी तस्वीरें तलाश करना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लततबिउन सुनन मन काना कबलकुम, ऐसा होकर रहेगा। उलमा जानते हैं इन अल्फाज में कितनी ताकीद है, जिस ताकीद को ये आजिज उर्दू में लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होकर रहेगा कि तुम लोग अपने पहले वालों के तरीकों पर चलोगे, तुम उन्हीं की नकल करोगे, तुम्हारे अंदर वो सारी खराबियां आएंगी जो उनमें आई थी। शिवरम बिशिवरिन, एक एक बालिश नाप कर, वज़िराहम बिज़िराहिन, एक एक हाथ नाप कर। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग उनकी ऐसी नकल करोगे कि अगर वो गोह के बिल में घुसे होंगे तो तुम भी घुसोगे,
अगर उनमें से किसी बदनसीब ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा तो तुम में भी ऐसे बदनसीब पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ ये बुरा काम करेंगे। उनमें से कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला बुत परस्ती की थी, तुम में भी ऐसे अपराध होंगे जो बुत परस्ती करेंगे। हम देखते रहते हैं, जानते हैं क्या क्या हो रहा है उम्मत। इस सब की पेशगी इत्तला दी है हमारे आका रहबरे कामिल खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बनी इसराइल के वाकयात को इस नजर से देखना चाहिए कि ये सारी खराबियां किस तरह हमारे अंदर आ गई। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि उम्मत इन खराबियों को अपने अंदर से निकाले। अगर उम्मत इज्जत की जिंदगी चाहती है, अगर उम्मत अल्लाह की मदद और रहमत चाहती है, और इन खराबियों की निशानदेही कौन करेगा, इन बुराइयों से निकलने का रास्ता कौन बतलाएगा, बनी इसराइल को कौन बतलाता था, अंबिया किराम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। यानी जिस तरह उनको उन बुराइयों से बचने का रास्ता अंबिया बतलाते थे, मेरी उम्मत को इन बुराइयों से बचने का रास्ता उलमा बतलाए। उनमें से जिन लोगों ने अंबिया का कहना माना वो बच गए अल्लाह की सजा से, अल्लाह की पकड़ से। मेरी उम्मत में जो उलमा का कहना मानेंगे वो बच जाएंगे अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की सजा से। उनमें के नाफरमान अंबिया के दुश्मन हुए, मेरी उम्मत में नाफरमान उलमा के दुश्मन बने। बिल्कुल वही तस्वीर होगी जो वहां थी, बस किरदार बदलेंगे। वहां अंबिया है, यहां उलमा है। इसलिए कि ये उलमा वारिस हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो आपकी विरासत कयामत तक जारी रहेगी उलमा के जरिए से। उलमा से मुराद बाकिरदार, मुत्तकी, परहेजगार, सुन्नतों के पाबंद, शब जिंदादार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वारिस हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को भी हासिल किया हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी कैफियात को भी हासिल किया। अल्लाह हम सबको उनमें बना दे। इस वक्त जो आयत करीमा तिलावत की गई उनमें खास वाकया जिक्र किया है अल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगा कि उस वाकये की इस तरह तर्जमानी की जाए कि हमें उस वाकये के अंदर इस वक्त का अपना मिजाज भी नजर आए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले और अल्लाह ताला ने उनको समंदर पार कराया, वाउहैना इला मूसा अन असरी बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीकन फिल बहरि यबसन ला तखाफु दरकन वला तख्शा फअतबअहुम फिरऔन बिजुनूदिही फ़गशियहुम मिनल यम मा गशियहुम। अल्लाह ने फरमाया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप अपने कौम को लेकर निकले, हम आपको समंदर में खुश्क रास्ता देंगे, आपको कोई डर नहीं होगा डूबने का या पकड़े जाने का। आगे समंदर था, पीछे फिरौन की फौज थी, पीछे से पकड़े जाने का डर, आगे से डूबने का डर। अल्लाह ने फरमाया कोई डर नहीं, ना डूबने का ना पकड़े जाने का, आप निकल जाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर पार हो गए। फिरौन ने सोचा मौका अच्छा है, रास्ता खुला हुआ है, मैं भी अपनी फौज के साथ पीछा करूं। बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने पानी को मिला दिया। फगशियहुम मिनल यम्मी मा गशियहुम, अल्लाह ने फरमाया वो सारे पानी के अंदर डूब गए।
اب جب اس پار گئے تو جنگل میں پہنچے، کسی ملک میں داخل ہونے کی تو گنجائش تھی نہیں، کون حکومت اپنے یہاں آنے دیتی بسنے دیتی؟ ایک ہی راستہ تھا، جو رکاوٹ بنے اس سے مقابلہ کریں، ان بزدلوں کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک جگہ جنگل میں ان کو روک دیا گیا، اللہ تعالی نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام تو اس طرح ہوا اس صحرا میں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے مسلسل، اور پتھر بھی زمین میں گڑا ہوا نہیں تھا۔ کمال کی بات تو یہ، پتھر تو حضرت موسیٰ ساتھ لے کر آئے تھے، یہ وہی پتھر تھا جو حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا اس کو ساتھ میں رکھیے۔ اللہ کی قدرت، پانی کہاں سے آ رہا ہے معلوم نہیں، جیسے زمزم کا پانی اتنا صاف ستھرا میٹھا، اتنا مقوی، جس میں بیماریوں کا علاج، جس میں غذا بھی۔ آج تک سائنسداں حیران ہے یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، دنیا کے اس خشک خطے میں جہاں ہزاروں فٹ کھودا جائے تو پانی نہ ملے، پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ اسی طرح عقلیں حیران تھی یہ پانی پتھر میں آ کہاں سے رہا ہے، پتھر پر لاٹھی ماری ایک نہیں 12 چشمے۔ کیوں؟ بنی اسرائیل جو تھا نا بہت شریف لوگ تھے، مل جل کے نہیں رہ سکتے تھے، ان کے 12 الگ الگ خاندان تھے، ایک گھاٹ سے پانی نہیں لے سکتے تھے، روز جھگڑے ہوتے ہیں صبح شام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، 12 گھاٹ الگ الگ، چلو ہر خاندان کا الگ الگ نشان لگا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تم یہاں سے پانی لو گے، تم یہاں سے لو گے، تم یہاں سے لو گے۔ کھانے کا انتظام کر دیا گیا، دو پرماننٹ ڈشیں، ایک میٹھی ایک نمکین، ایک گوشت، ایک پرندہ ہوتا ہے بٹیر، چھوٹا سا ہوتا ہے، آپ کیا بھی ہوتا ہو، اس علاقے میں آج بھی بٹیریں بہت ہوتی ہیں۔ جس وادی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو روکا تھا اس وادی میں بٹیریں آج بھی بہت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں کچھ اور اضافہ کر دیا، اتنی زیادہ ہو گئی بٹیریں کہ شام میں آ کر ان کے خیموں کے اندر گھس جاتی تھی، پکڑ کر فریج وریج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتا ایک دن پکڑو 10 دن کھاؤ تو بیچارے رہتے کہاں، اپنے رہنے کا تو ٹھکانا نہیں تھا، روز پکڑو روز کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا کھانا اتنی پکڑو ذبح کرو، کل پھر آئیں گی پرسوں پھر آئیں گی، روز آنا شام میں آ کر ان کے خیموں میں گھس جاتی تھی، وہ اپنی ضرورت کے مطابق پکڑتے ذبح کرتے بھونتے کھاتے۔ پروٹین کا انتظام کر دیا تھا، اور درختوں کی پتیوں پر ایک مخصوص قسم کا حلوہ جم جاتا تھا، جیسے شبنم کے قطرات ہوتے ہیں اس طرح، وہ اس کو سورج نکلنے کے بعد جب وہ سوکھ جاتا تھا تو اس کو جمع کر لیتے تھے، وہ ایک میٹھی ڈش تھی، ایک نمکین ایک میٹھی۔ انسانی جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے، جتنے اجزاء کی ضرورت ہے، وہ سارے اجزاء فراہم ہو رہے تھے، لیکن انسان ہے بے صبرہ، وہ ایک جیسا کھانا تو بہت دنوں تک کھا نہیں سکتا۔ کچھ دنوں میں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے تقاضا کیا، موسیٰ یہ کب تک ہم من و سلوا پہ گزارا کرتے رہیں گے، ہم تو مصر میں سبزیاں کھاتے تھے، پیاز کھاتے تھے، لہسن کھاتے تھے، وہاں تو یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے نا، وہاں کی جو حکمراں قوم تھی اس کے لیے کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہی ان کو کھانے کو ملتا تھا۔ لن نصبر على طعام واحد، موسیٰ اب ایک ہی جیسا کھانا بہت دن تک کھایا نہیں جائے گا، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ککڑی چاہیے، سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دال چاہیے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سب کچھ یہاں نہیں ملے گا، سامنے کا جو ملک ہے چلو، وہ مشرک لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے مقابلہ کرو، وہ ملک اللہ تم کو دیں گے، یہ چونکہ تمہارے باپ دادا کا ہے، وہیں سے تو گئے تھے، حضرت اسحاق حضرت یعقوب وہیں تو رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام وہیں تو پیدا ہوئے تھے، پھر وہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر گئے تھے، تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تمہارے باپ دادا کا ملک ہے، چلو چل کر کے اس کو لو۔ انہوں نے کہا لیکن موسیٰ ہم تو امن پسند ہو، جنگ تو ہم سے ہو نہیں پائے گی، وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم نے تو ایک زمانے سے کسی سے لڑائی وڑائی کی نہیں، ہمیں تو اس کی مشق کی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ بہت کمزور لوگ ہیں، تمہیں دیکھ کے بھاگ جائیں گے، تہذیب نے ان کو کھوکھلا کر دیا ہے، گناہوں نے ان کی طاقت نکال چھین لی ہے، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمی چپکے سے بھیجے، جاؤ جا کر ان کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ وہ لوگ آئے اور کہنے کہ حضرت وہ لوگ تو بالکل مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تو سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ تو قوم نے کہا موسیٰ جب وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم چلے جاؤ نا اللہ میاں کو ساتھ لے کر، جب قبضہ ہو جائے تو ایک مس کال کر دینا ہمارے، ایک ایس ایم ایس کی ضرورت ہے، بس اشارہ مل جائے فوراً آ جائیں گے یا بالکل نہیں رہیں گے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہی ہمارا بھی مزاج نہیں ہو گیا، سب کچھ بڑے کر لیں، علماء کر لیں، ہم پیچھے پیچھے آ جائیں گے بریانی کھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اللہ ناراض ہو کر کوئی عذاب نہ بھیج دیجیے گا، میرا اختیار میری اپنی ذات پر چلتا ہے، میرے بھائی ہارون پر چلتا ہے، اور تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پوری قوم کا حال تھا۔ وہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو، اس نسل سے کچھ نہیں ہو سکا، آہستہ آہستہ وہ سب وہیں مر کھپ گئے، ان کی جو نئی نسل وہاں پیدا ہوئی اور وہاں پیدا ہو کر جوان ہوئی، وہ تقریباً 40 سال وہاں رہے، تو جو نئی نسل وہاں پیدا ہو کر جوان ہوئی وہ ذرا باہمت، اس نے ہمت کی کہ ہم مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، لیکن مزاج ان کا بھی بگڑا ہوا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں جو اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، حضرت موسیٰ کا تو وہیں وادی عتیق میں انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بعد میں انتقال ہوا، کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے عمر میں بھی 1 سال بڑے تھے۔ تو حضرت یوشع ابن نون جو اس سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، جس سفر کا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں تذکرہ فرمایا ہے، حضرت خضر سے ملاقات کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ان کی تربیت ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کے زمانے میں ان لوگوں نے جہاد کیا، لیکن اللہ کا حکم اللہ کے نبی نے سنایا تھا، دیکھو جب ملک فتح کر کے داخل ہونا تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تم کو فتح عطا فرمائیں گے، اور اللہ سے دعا مانگنا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ لیکن یہ لوگ جب ملک فتح کر کے داخل ہوئے تو معافی مانگنا تو بھول گئے، نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے اب روٹی کھائیں گے، اب تو گیہوں ملے گا، اب تو دال ملے گی، اب تو سبزی ملے گی، اتنا زمانہ ہو گیا روٹی نہیں ملی تھی، اتنا زمانہ ہو گیا سبزی نہیں کھائی تھی، وہی من و سلوا میں گزارا ہو رہا تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، اس پورے علاقے میں ان کو ایک حکومت بنانی چاہیے تھی مضبوط، اس لیے کہ اس کے قرب و جوار میں چاروں طرف مشرک حکومتیں تھیں،
دو طرف دو مضبوط حکومتیں تھیں. تو ان مضبوط حکومتوں کی گرفت سے بچنے کے لیے، ان کے حملوں سے بچنے کے لیے ان کو ایک مضبوط حکومت بنانی چاہیے تھا. انہوں نے ایک مضبوط حکومت بنانے کے بجائے اس چھوٹے سے فلسطین کے علاقے کو 12 حصوں میں بانٹ لیا. بھائی ہم کو سب کو اپنا الگ الگ دے دو، جیسے ایک باپ نے گھر بنایا اور چار بھائی کہیں آدھا آدھا کمرہ صحیح لیکن ہمیں الگ الگ دے دو، ہم تبھی سے دیوار اٹھائیں گے. چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا. رک کر اس علاقے اور اس کے قرب و جوار پر ایک نظر ڈال لیجئے، کیا کیا مسلمانوں نے. ترکوں کی ایک متحدہ حکومت خلافت عثمانیہ کو توڑ پھوڑ کر چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں بنائیں. اتنا چھوٹا سا ٹکڑا قطر، اتنا چھوٹا سا ٹکڑا دبئی اور امارات، اتنا چھوٹا سا ٹکڑا کویت، اتنا چھوٹا سا فنا فنا فنا، یہ کیا ہے؟ وہی غلطی کی نا مسلمانوں نے جو بنی اسرائیل نے کی، اور انہی لوگوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹا. بالکل یہی نقشہ تھا اس زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومتوں کا، اتنے چھوٹے چھوٹے سے 12 ٹکڑے بنا لیے. چھوٹے چھوٹے ملکوں کو نگل لینا دشمن کے لیے آسان ہوتا ہے، ایک بڑی طاقت کو ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا. اب جو بازو کی مشرق حکومت تھی بڑی مضبوط طاقتور، اس نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو آپس میں لڑانا شروع کیا، ان میں آپس میں اختلاف پیدا کرتے اور پھر کہتے دیکھو تم کو فلاں سے خطرہ ہے، ہم اس پر حملہ کرتے ہیں تاکہ تمہارا خطرہ ختم ہو جائے. جس طرح امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور دوسروں کو سمجھایا تھا یہ عراق کا جو صدر ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، یہ تم سب کو نکل جائے گا، ہم اس پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ تمہارا خطرہ ختم ہو جائے، اور عراق پر قبضہ کیا اور باقی سب بھی اب ان کے لیے نوالہ تر ہیں، جس دن چاہے قبضہ کر لے، کسی میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. بالکل یہی تاریخ تھی بنی اسرائیل. ہاں تھوڑی سی تدبیر کی کوشش کی جائے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے حالات وہاں بیان ہو رہے یا وہاں کے حالات لوٹ کر یہاں آ گئے. کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اس نے اس پر حملہ کیا اس پر حملہ کیا. کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں کو اندازہ ہوا اس طرح تو ہم سب کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ دشمن طاقت پورے علاقے پر قبضہ کر لے گی اور ہمارا کان پکڑ گیا تو ہمیں باہر نکال دے گی یا ہمیں غلام بنا لے گی. اب یہ گھبرائے کہ بھائی ہماری ایک متحدہ حکومت ہونی چاہیے، یہ 12 خاندان جو ہیں ان کی مل کر کے ایک متحدہ حکومت ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا اس متحدہ حکومت کا بادشاہ کون بنے گا. تو 12 خاندان کے ہر بڑے کا خیال تھا میرے سوا کوئی اور کہاں بن سکتا، بنوں گا تو میں بنوں گا، کوئی اور کیسے. نیتیں اس وقت بھی اچھی نہیں تھی، یہی حالات بھی، لیکن اب آپس میں مل کے تو کچھ طے نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے جن کا قرآن نے نام نہیں لیا، بعض اسرائیلی روایات میں ان کا نام ہے اللہ اعلم، اللہ تعالی نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد والے حالات میں آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کو، اذ قالوا لنبی لہم، کہ ان لوگوں نے آ کر اپنے پیغمبر سے کہا، اس زمانے میں جو پیغمبر تھے ان سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اس بادشاہ کی قیادت میں دشمنوں سے مقابلہ کریں. سوچئے ان نالائقوں کو آ کر کہنا کیا چاہیے تھا، کس کے پاس آئے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس. انہیں آ کر کہنا چاہیے تھا حضرت آپ ہماری قیادت کیجئے ہم دشمن کا مقابلہ کریں،
लेकिन ये नहीं कहा इन्होंने आप क़यादत कीजिए, क्यों? इसलिए कि आने वालों में से हर शख्स का ये ख्याल था कायद मेरे सिवा कोई और थोड़ी हो सकता है, इसलिए कहा कोई बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हर एक को ये ख्याल था मेरी बादशाहत का इम्कान बाकी रहे। नबी से यूं नहीं कहा आप क़यादत कीजिए, आप आगे बढ़िए, नबी से कह रहे हैं आप हम में से किसी को बादशाह बना दीजिए। नबी ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से पूछकर बतलाऊंगा, मैं अपनी तरफ से तो कोई फैसला करूंगा नहीं, पैगंबर अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, वो तो अल्लाह की वही के मुताबिक बात कहते हैं। हर नबी का यही मामला है। एक दिन में, दो दिन में, जितना अल्लाह ने चाहा, कुरान ने मुद्दत नहीं बतलाई। मुमकिन है दूसरे ही दिन पैगंबर ने बुला करके कहा, पैगंबर ने बुला करके कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाया। तालूत इन 12 खानदानों के सरदारों में से नहीं थे, तालूत इन खानदानों में से किसी एक खानदान के आम से इंसान थे, ये किसी खानदान के सरदार नहीं थे और कोई बड़े दौलतमंद भी नहीं थे, बड़े मालदार भी नहीं थे। तो जैसे ही पैगंबर ने कहा अल्लाह ने तालूत को बादशाह बनाया, सब चीख पड़े तालूत कैसे बादशाह हो सकता है, क्यों? तालूत की बादशाहत पर एतराज बाद में था, हर एक के दिल की पुकार ये थी मेरे सिवा कोई बादशाह कैसे हो सकता, लेकिन ये बात कह नहीं सकते थे। चलो, हर एक के दिल में आया अच्छा मैं ना बनूं, कम से कम कोई दूसरा सरदार तो बने ताकि मेरे लिए भी चांस रहे, उसके बाद मैं बन सकूं। ये सरदारों को छोड़कर तालूत को बादशाह कैसे बना दिया गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उन लोगों ने कहा अन्ना यकून लहुल मुल्क अलैना, वो कैसे बादशाह बन सकता है? और अब अंदर की बात निकली, खतरे की तलवार लटकी हुई है, दुश्मन हमला करने वाला है, करो या मरो की पोजीशन है, और पैगंबर से क्या कह रहे हैं वनहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन, हम तालूत से ज्यादा बादशाह बनने के हकदार हैं। वलम युता सआतम मिनल माल, तालूत के पास तो दौलत भी नहीं है। पैगंबर ने कहा बादशाह के लिए जरूरी नहीं है कि खुद उसके पास दौलत हो, पूरी कौम की दौलत बादशाह की दौलत होगी, तुम सब की दौलत काम आएगी। बादशाहत के लिए जिस समझदारी की जरूरत है और जिस ताकत की जरूरत है, उस जमाने में चूंकि दू बदू मुकाबले होते थे, सामने सामने से जंग होती थी, इस वजह से जिस्मानी ताकत की भी जरूरत थी और फैसले की कुव्वत की भी जरूरत थी, इल्म की भी जरूरत थी। तो पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला ने बादशाह तालूत को जिस्मानी ताकत भी अता फरमाई है, इल्म भी अता फरमाया है, फैसले की ताकत भी अता फरमाई है, और सुनो अल्लाह की तरफ से ये फैसला हो चुका है, अब इसमें तब्दीली नहीं होगी। अब जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है न माने। वो बेचारे न मानने की पोजीशन में नहीं थे, इसलिए मजबूरन ये कड़वा घोट उनको पीना पड़ा। उस जमाने का एक बहुत बड़ा मुशरिक बादशाह था जालूत, मुकाबला उससे था। और ऐसा थोड़ी है कि जालूत ने खत भेजा हुआ था कि जब तुम लोगों की तैयारी हो जाए तो हमें इत्तला कर देना, हम तब आएंगे। वो तो तैयारी करके आ रहा था, यहां तो मसला था फौरन चलो और मुकाबला करो, इसलिए रुकने और इंतजार करने और इख्तलाफ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो कड़वा घूट मजबूरन पीना पड़ा, चलो ठीक है तालूत को बादशाह मान लिया। उन लोगों ने सोचा होगा अभी दुश्मन से मुकाबला कर लें, बाद में फिर देखेंगे, पलट देंगे, नबी से इसरार करेंगे, आप अपने फैसले पर नजर आसानी की। قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم
पैगंबर ने कहा तालूत का इंतखाब मैंने नहीं किया, तुम्हारा बादशाह बनाने के लिए तालूत का इंतखाब अल्लाह ने किया है और अल्लाह ने उसे जिस्मानी ताकत भी दी है, इल्म भी दिया है। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसको चाहते हैं हुकूमत देते हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसत वाले हैं इल्म वाले। फिर अल्लाह के नबी ने उन लोगों को मुतमईन करने के लिए एक निशानी बतलाई। देखो तालूत की बादशाहत की निशानी यह है कि ताबूत सकीना वापस आएगा। ये ताबूत सकीना क्या चीज है? ताबूत कहते हैं बक्स को। उन लोगों के पास एक बक्स था, बनी इसराइल के पास। जब वो मिस्र से आए थे तब भी उस बक्स को साथ लेकर आए थे। उसमें अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा भी उसी में रहता था। किसी की पगड़ी, किसी का कुर्ता, किसी का डंडा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, ये सब अंबियाए किराम के तबर्रुकात उस बक्स में थे। और उसको ताबूत सकीना कहा जाता था। उनका यकीन था कि इस बक्स की बरकत से, इस ताबूत की बरकत से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और वाकई नाजिल होती भी थी। ये उनके लिए बहुत अहम चीज थी। जालूत ने उनके बाज इलाकों पर कब्जा करके, बाज खानदानों को मغلوب करके ताबूत सकीना छीन लिया था, और उसके छीन जाने के नतीजे में ये लोग जहनी तौर पर जंग हार गए थे। और ये बड़े परेशान थे कि शायद हम पर अल्लाह का बड़ा अजाब मुसल्लत हो चुका है, हमें ताबूत सकीना से महरूम कर दिया गया है। तो पैगंबर ने कहा कि देखो तालूत की बादशाहत की पहली निशानी ये है कि ताबूत सकीना वापस आएगा। हुआ ये था कि वो मुशरिक बादशाह जब उस ताबूत को लेकर के गया तो जिस शहर में लेकर के जाता उस शहर में कोई ना कोई बीमारी फैल जाती। आमतौर से लोग मरने लगते, यहां रखा फिर वहां रखा फिर वहां रखा। वो लोग इतना घबरा गए, इतना परेशान हो गए कि भाई ये बक्स तो बहुत मनहूस है, इसको जहां रखते हैं मुसीबत आती है, तो इसको तो हमें निकाल देना चाहिए अपनी आबादी से। लेकिन वो इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे कि किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बक्स को गाड़ी में रखे और कहीं जाकर के छोड़ करके आए। तो उन लोगों ने एक गाड़ी में बक्स रखा, उस गाड़ी में बैल लगाए और उन बैलों को हाक दिया कि इनको जहां जाना है जाए। कोई आदमी भी उस गाड़ी को चलाने वाला नहीं था। अल्लाह के नबी ने कहा वो देखो गाड़ी चली आ रही है, बैल उसे लेकर के आ रहे हैं और उसमें ताबूत सकीना रखा हुआ है। इस तरह वो गाड़ी चलकर खुद इनके इलाके में आ गई और अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना वापस कर दिया। अब इन लोगों को इत्मीनान हुआ, भाई इस वक्त तो मान लेने में ही आफियत है, माने या न माने अल्लाह ने तालूत को हमारा बादशाह बना दिया है। शिकायत तो रही उनको अल्लाह से कि अल्लाह ने सही इंतखाब नहीं किया। हाँ, ये शिकायत तो रही उनको, लेकिन मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अब चले मुकाबले के लिए, तो हजरत तालूत ने लोगों से कहा देखो चाहे मेरी फौज छोटी हो लेकिन मैं बुजदिलों को, नाफरमानों को, बेसब्रों को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। छोटी फौज होगी चलेगा, अल्लाह इम्तिहान लेंगे। बीच में एक नदी आएगी, उस नदी को तुम्हें पार करना पड़ेगा रोजा रखकर। प्यास लगी होगी, पानी पीने की इजाजत नहीं होगी। जो पेट भरकर पानी पिएगा वो मेरे साथ नहीं जाएगा। अगर बहुत प्यास की शिद्दत में किसी ने एक दो घूंट पी लिया तो उसे माफ कर दिया जाएगा। अच्छे लोग वो होंगे जो बिल्कुल नहीं पिएंगे। और ये छटनी मैं नहीं करूंगा, जो पेट भरकर पानी पिएंगे ना वो उठने के काबिल ही नहीं बचेंगे, वो बैठ जाएंगे। वही
वहीं बैठ जाते। जैसे एक आदमी नमक की तिजारत करता था, उसके पास एक गधा था, वो गधे पर नमक लादता ले जाता दूसरे शहर में बेचने के लिए। रास्ते में एक छोटी सी नदी थी जिसे पार करना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा पानी होता था। एक दिन इत्तेफाक से उस नदी में गधे का पैर फिसल गया, पैर फिसला तो वो गिर गया। थोड़ी देर के बाद उठा तो उसे महसूस हुआ बोझ काफी कम हो गया, क्योंकि नमक बहुत सारा घुल गया था। उसने सोचा ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। अब जब भी उसका मालिक नमक लेकर जाता वो जानबूझ करके नदी में बैठ जाता, आधा बोझ कम हो जाता। जानवर बेचारा इंसान का क्या मुकाबला करेगा। मालिक ने सोचा अच्छा ये इत्तेफाकी बात नहीं है कि पैर फिसल जाता हो, ये गधा जानबूझ के कर रहा है, ये अपने को बड़ा समझदार समझता है। तो एक दिन उसने ये किया कि नमक के बजाय गधे के ऊपर रुई ला दी। वो तो पहले से हल्की थी, लेकिन गधे ने सोचा बैठ जाऊंगा पानी में तो और हल्की हो जाएगी। वो पानी में बैठ गया। अब सोचिए हल्की हुई होगी या क्या हुआ हो, अब तो उठना मुश्किल। पूरी रुई पानी से भीग गई, वजन कई गुना बढ़ गया और मालिक उसके पीछे से सोटे लगा रहा है। बहुत अकलमंद बनता था, बहुत समझदार बनता था, चाहता था वजन कम हो जाए। वो बेचारा कहां उठ सकता था। तो तालूत ने कहा देखो जो पेट भर के पानी पिएगा वो उठने के काबिल ही नहीं रहेगा, मुझे छटनी नहीं करना पड़ेगा, अल्लाह छटनी करेंगे। ये क्या बात है, अल्लाह बतला रहे हैं जब फैसले के वक्त आते हैं तो अल्लाह ताला छटनी करते हैं। जिस तरह बनी इसराइल की छटनी हुई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की भी छटनी होगी। जो अल्लाह के नाफरमान होंगे उन्हें छाट कर अलग किया जाएगा, जो फर्मा बरदार होंगे काम उन्हीं से लिया जाएगा चाहे उनकी तादाद थोड़ी हो। अल्लाह अपने फैसले करने में तादाद के मोहताज नहीं है, सामान के मोहताज नहीं है। एक भी कोई ना आए तब भी अल्लाह अपना फैसला नाफिज कर सकते हैं। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, जब अब्राहा अपनी फौज लेकर के आया था एक भी इंसान नहीं था अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाला। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को इस्तेमाल किया और अपने घर की हिफाजत की थी ना। जिसको अल्लाह इस्तेमाल फरमा ले वो खुशनसीब है, और ये खुशनसीबी अल्लाह मुत्तकियों को देते हैं, परहेजगारों को देते हैं, कहना मानने वालों को देते हैं, ना फरमानों को नहीं देते। तो तालूत ने कह दिया इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर, देखो दरमियान में एक नदी आएगी, उस नदी के जरिए अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। फमन शरीब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो उसका पानी पिएगा वो मेरा नहीं होगा। वमन लम यतअम्हु फइन्नहु मिन्नी, जो नहीं पिएगा वो मेरा साथी होगा। इल्ला मन इख्तरफा गुरफतन बियदी, हाँ अगर किसी ने एक चुल्लू पी लिया तो उसको माफी मिल जाए। फशरीबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हु, अक्सरियत ने खूब डट के पानी पिया, खूब डट के पानी। जो हाल हम लोगों का है, अल्लाह ने हमें रमजान में रोजे अता फरमाए ताकि हमारी रूहानी तरक्की हो और हमारी जिस्मानी बीमारियां भी खत्म हो। जिस्म को भी तो अल्लाह ही ने बनाया है ना, तो अल्लाह ताला के जितने अहकाम हैं उनको मानने से सिर्फ रूह का फायदा नहीं होता, रूह का भी फायदा होता है, जिस्म का भी फायदा होता है। देखो नमाज एक अमल है रूह की तरक्की के लिए, लेकिन अगर नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा की जाए तो उससे जिस्म की बीमारियां भी दूर होती। एक मरतबा जब यह आजिज गुजरात के एक मदरसे में पढ़ाता था, एक तालिब इल्म आए, कहने लगे हजरत मेरे घुटनों में दर्द होता है, इलाज किया फायदा नहीं होता। मैंने कहा मुझे लगता है तुम रुकू सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, तुम सुन्नत के मुताबिक रुकू शुरू करो, कुछ दिनों के बाद मुझे बतलाना इंशाल्लाह तुम्हारे घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। उन्होंने वाकई सुन्नत के मुताबिक रुकू करना शुरू किया, रुकू सजदा सब सुन्नत के मुताबिक करना शुरू किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ने उनके घुटने का दर्द दूर कर दिया। तो ये जो इबादतें हैं ना, ये असल में जिस्म के फायदे के लिए नहीं है, असल तो रूह के फायदे के लिए, असल तो अल्लाह का हुक्म मानने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए है। लेकिन रूह को भी अल्लाह ने बनाया, जिस्म को भी अल्लाह ने बनाया है। अगर अल्लाह का कहना माना जाए तो आखिरत भी बनती है, दुनिया भी बनती है, रूह की तरक्की भी होती है, जिस्म की तरक्की भी होती है।
एक डॉक्टर साहब हैं, उनको नोबल प्राइज मिला है इलाज के सिलसिले में। नोबल प्राइज किसी किसी को मिलता है, काहे के लिए उनको दिया गया कि साहब उन्होंने कैंसर से बचाव का नुस्खा दरियाफ्त किया। इस जमाने में कैंसर आम होता जा रहा है, तो उनसे सवाल किया सहाबियों ने कि डॉक्टर साहब आपने ऐसी कौन सी दवा तलाश कर ली जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा प्राइज मिला। तो उन्होंने कहा कि मैंने दवा नहीं तलाश की, मैंने एक तरीका तलाश कर लिया है, उस तरीके को अपनाया जाए तो कैंसर से बचा जा सकता है। पूछा कि आपने क्या तरीका अपनाया है, क्या तरीका तलाश किया है? तो उन्होंने कहा कि असल में इंसानी जिस्म के अंदर जो गिजाओं के फाजिल अज्जा जमा होते रहते हैं और खुद जिस्म के अपने जो फाजिल अज्जा जमा होते हैं और जो सड़ते गलते रहते हैं उन्हीं की वजह से कैंसर होता है। अगर कुछ अरसे तक मैदे को मुसलसल भूखा रखा जाए, कुछ दिनों तक रोजाना सुबह से शाम तक भूखा रखा जाए, तो जिस्म का अपना एक सिस्टम है कि जब उसे बाहर से कोई गिजा नहीं मिलती तो वो अपने आप को खाना शुरू कर दे। इस तरह वो जितने फाजिल अज्जा हैं गलने सड़ने वाले जिस्म खुद उनको खाकर खत्म कर देता है और कैंसर का खतरा खत्म हो जाता है। तो पूछने वालों ने पूछा कि डॉक्टर साहब कितने दिनों तक इस तरह भूखा रहना चाहिए कि रोजाना सुबह से शाम तक आदमी भूखा रहे? तो डॉक्टर साहब ने कहा साल में एक मरतबा कम अज कम 20 से 30 दिन तो इंसानों को इस तरह भूखा रहना चाहिए। अल्लाह रहमान रहीम है, अल्लाह ने पहले से हमको रमजान का एक महीना अता फरमाया, फमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम रमजान में अपने जिस्म की पुरानी बीमारियों को दूर करना तो दरकिनार नई नई बीमारियां पैदा कर लेते हैं अल्लाह की नाफरमानी करके और दूसरे दिनों के मुकाबले में ज्यादा खाकर। रमजान अल्लाह ने दिया दूसरे दिनों के मुकाबले में कम खाने के लिए, ताकि सहरी की जाए मुख्तसर मिकदार में, इफ्तार किया जाए मुख्तसर मिकदार में और ज्यादा से ज्यादा वक्त भूख की हालत में गुजारा जाए अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह ताला रूह को भी तरक्की देते हैं और साथ में साल भर जिस्म के अंदर जो बीमारियां पल रही थी उनको खत्म कर देते हैं। और साल भर बेंगलोर वालों ने बिरयानी खा खाकर जो अपना वजन बढ़ा लिया होता है रमजान में उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन माशाल्लाह अगर आप शाबान की आखिरी तारीख को अपना वजन कर लें और शव्वाल की पहली तारीख को अपना वजन कर लें तो इंशाल्लाह कुछ इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ये क्या है? ये वही बनी इसराइली मिजाज। नदी पर पहुंचे तो पैगंबर के मना करने के बावजूद पेट भर के पानी पिया। ऐसे लोगों की रूहानी तरक्की क्या होगी? उनकी तो जिस्मानी बीमारियों में भी इजाफा हो जाता है। अल्लाह हमें जिस्मानी बीमारियों से भी बचाए, अल्लाह हमें रूहानी तरक्की भी नसीब फरमाए। और भाई तुमको नहीं एहतियात करना न करो, कोई करना चाहता है तो उसे तो करने दो, उस पर तो जुल्म मत करो। ये तो मेहमानों के साथ भी जुल्म होता ना, जबरदस्ती प्लेट पे डाल डाल के डाल डाल के, ना हम अल्लाह का कहना मानेंगे ना तुम्हें मानने देंगे। बहरहाल ये कोई हराम और हलाल का मसला नहीं है, लेकिन एहतियात करना चाहिए। सैयदना इमाम गज़ाली ने लिखा है कि अगर रमजान में खाने पीने में एहतियात न की जाए तो रोजे का फायदा हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला इसमें कोई शक नहीं कि रमजान में अल्लाह मोमिन की रोजी में बरकत देते हैं, लेकिन ये बरकत इसलिए थोड़ी देते हैं कि सब हम खा जाएं, ये बरकत इसलिए देते हैं कि हम दूसरों को खिलाएं, ये बरकत इसलिए देते हैं कि हम गरीबों की मदद करें, उनके सहर इफ्तार का इंतजाम करें, उनको भी रमजान की खुशियों में, उनको भी ईद की खुशियों में शरीक करें। ये तो दूसरों का हक पालना हुआ कि अल्लाह ने बरकत दी और सब हम ही ने खा लिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम समझें बनी इसराइल के वाकयात में, अपनी तस्वीर तलाश करें तो आसानी से मिलेगी। तो अल्लाह ने फरमाया फशरीबु मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम, अक्सर ने तो खूब डट के पानी पिया, वो छूट गए, चलो तो बढ़ो, थोड़े लोग बचे। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माहु, अब ये थोड़े से लोगों को लेकर के जब तालूत नदी के पार उतरे, कालू ला ताकत लना अल्यौम बिजालूत व जुनूदी, तो इन लोगों ने कहा हम जालूत और उसकी फौज का कैसे मुकाबला कर पाएंगे, हम इतने थोड़े और वो इतनी बड़ी इतनी ताकतवर फौज, हमारे अक्सर लोग तो पीछे रह गए छूट गए।
قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله تو ان میں جو اللہ والے تھے جن کو آخرت کا یقین تھا کہ ہم جیتے یا ہاریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں ان لوگوں نے کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللہ فتح دینے کے لیے بڑی طاقت بڑی فوج بڑی تعداد کے محتاج نہیں ہے کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا فرما دیا واللہ مع الصابرین اور لوگوں اللہ کے حکم پر جم جاؤ جمنے والوں کا اللہ ساتھ دے دے اب طالوت سے مقابلہ ہوا جالوت سے مقابلہ ہوا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک عام سے نوجوان تھے لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال عطا فرمایا تھا ان کا نشانہ بہت درست تھا اس زمانے میں رسی سے ایک آلہ بناتے تھے پتھر مارنے کا اردو میں اس کو گوفن کہتے ہیں پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے کبھی اس کو دیکھا بھی ہے یا نہیں اور اس کا نام سنا ہے یا نہیں وہ دو طرف سے رسیاں ہوتی تھی بیچ میں ذرا کچھ پتھر رکھنے کا بناتے تھے اور اس کو گھما کر کے پھینکتے تھے جو لوگ اس کے ماہر ہوتے تھے نا اس کا نشانہ بہت درست ہوتا تھا تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں نشانے کی بڑی مہارت تھی یہ بھی متقی و پرہیزگار نوجوان تھے یہ بھی ساتھ چلی جالوت جو بادشاہ تھا وہ بڑے ڈیل ڈول والا تھا بہت اونچا اس کا بدن بہت موٹا تازہ بڑا پہلوان اور سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا تاکہ تلوار کا وار نہ ہو سکے اس پر لیکن کچھ حصہ تو کھلا رہے گا نا چہرہ کھلا ہوا سر کھلا ہوا یا اگر سر کے اوپر بھی اس نے ہیلمٹ جیسا کچھ پہنا ہوا تو چہرہ کھلا ہوا لوگوں نے دیکھ کر کے کہا اتنا بڑا پہلوان ہے اس کا کون مقابلہ کر سکے گا حضرت داؤد نے کہا یہ تو بہت بڑا ہے اس کا نشانہ لگانا آسان ہے چھوٹا ہوتا تو نشانہ لگانا مشکل ہوتا بڑے کا تو نشانہ لگا دیکھیں دو الگ الگ نظر بعض لوگوں کو ڈر ہوا اتنا بڑا ہے اس کا مقابلہ کون کرے گا حضرت داؤد نے فرمایا یہ اتنا بڑا ہے اس کو مارنا تو آسان ہے اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک بڑا سا پتھر رکھ کر کے گوپٹ پہ پوری طاقت کے ساتھ گھما کر کے مارا تو وہ پتھر جا کر سیدھا جالوت کی پیشانی میں لگا اور اس کا سر پھٹا بھیجا بکھرا اور وہ گرا جب وہ گرا بادشاہ مر گیا تو فوج کے تو قدم اکھڑ گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ فرمایا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ان مشرکوں کو شکست ہوئی اور پھر حضرت طالوت نے حضرت داؤد کو انعام دیا اپنا داماد بنا لیا اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور پھر حضرت طالوت کے انتقال کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور حضرت سلیمان کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی چلتی تھی جناتوں پر بھی چلتی تھی پرندوں پر بھی چلتی تھی ہواؤں پر بھی چلتی تھی وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے بچے اس حکومت کو سنبھال نہیں سکے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد سب سے پہلے حکومت دو حصوں میں بٹی ایک کا نام پڑا یہودیہ ایک کا نام پڑا اسرائیل یہ اسرائیل بہت پرانا نام ہے آج کا نہیں اور پھر دھیرے 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 ان کے اندر وہ ساری خرابیاں آتی رہی حتیٰ کہ انہوں نے مشرکوں مشرک عورتوں سے شادیاں کرنی شروع کر دی اپنے گھروں میں بت پرستی کرنے شروع کر دی اور پھر اللہ نے ان پر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جنہوں نے لے جا کر کے اپنے علاقوں میں ان کو بکھیر دیا ان کو غلام بنایا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کیا یہی آج کی ہماری تصویر ہے نا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتلا دیا جن کی کہانی سنائی جا رہی ہے ان میں بڑے انبیاء کرام ہوتے تھے جن کو سنائی جا رہی ہے ان میں بڑے علماء ہوتے تھے
उनमें बड़े मशायख होंगे, उनमें बड़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होंगे, जो उनका कहना मानेंगे जो लोग, और अल्लाह का कहना मानेंगे चाहे उनकी तादाद कम हो उनके साथ अल्लाह की मदद होगी, और जो कहना नहीं मानेंगे चाहे उनकी तादाद जितनी ज्यादा हो अल्लाह के फैसलों के आगे वो टिक नहीं सकेंगे, रुक नहीं सकेंगे। अल्लाह हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा नसीब फरमाए। अल्लाह इस रमजान की हमें कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस रमजान में अल्लाह ताला हमारे लिए खैर मुकद्दर फरमाए, रूहानी एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह हम सब की मगफरत फरमाए। वआखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तौबा के कलिमात पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह। जो हजरात तौबा के साथ साथ सिलसिले में भी दाखिल होना चाहते हैं वो सिलसिले में दाखिल होने की भी नीयत कर लें। بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फरमा ले, टूटने से इसकी हिफाजत फरमाए। जिन लोगों ने सिलसिले में दाखिल होने की नीयत की है, मामूलात की पाबंदी करना चाहते हैं, राबता रखना चाहते हैं, वो बाद में हमारे अहबाब से मामूलात का कार्ड ले लें, उसमें सारे मामूलात लिखे हुए हैं, राबते का नंबर भी लिखा हुआ है। और आप हजरात को मालूम है, बार बार बतलाया जा चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने तरबियती मजलिस होती है, वहां शिरकत करेंगे तो इंशाल्लाह मुसलसल नफा होगा। अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और दुआ फरमा लें। सुभान रब्बी अलअली अलअल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। परवरदिगार आलम, हम आपके आजीज़ और कमजोर बंदे हैं, हमारे हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह हमें अपने गुनाहों का, अपने गलतियों का इकरार और एतराफ़ है। अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, आपके दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, खताओं से दरगुजर फरमाइए, अयूब की पर्दापोशी फरमाइए, निगाहों को पाक कर दीजिए, दिलों को साफ कर दीजिए। अल्लाह हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमाइए, हमारी हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाइए। अल्लाह हमारे दिलों को वक्त से पाक कर दीजिए, दिलों को अपनी याद से आबाद फरमाइए, हमारे अंग अंग से रोमे रोमे से अपना जिक्र जारी फरमाइए। अल्लाह पूरी जिंदगी से, पूरी मौत से, पूरे अंजाम से हिफाजत फरमाइए, अच्छी जिंदगी अच्छी मौत अच्छा अंजाम नसीब फरमाइए। अल्लाह आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बना दीजिए, आने वाले वक्त को पिछले वक्त से बेहतर बना दीजिए। अल्लाह ये आपका करम है, आपका एहसान है, आपने हमें जिंदगी में एक मरतबा फिर रमजान अता फरमाया। अल्लाह इस रमजान के कद्र करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह इस रमजान मुबारक में हमारी तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी रूह को भी साफ सुथरा कर दीजिए, पाकीजा कर दीजिए। अल्लाह हमारे जिस्म को भी बीमारियों से पाक और साफ कर दीजिए। अल्लाह हमें अच्छी सेहत अता फरमाइए, अच्छी इबादत नसीब फरमाइए, अपना ताल्लुक नसीब फरमाइए, हलाल और पाकीजा रोजी अता फरमाइए। अल्लाह हमें रमजान की मकबूल इबादतें नसीब फरमाइए, मकबूल रोजे, मकबूल तरावी, मकबूल सदका और खैरात नसीब फरमाइए। अल्लाह दिनों को भी अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक आप खर्च इस्तेमाल करने की तौफीक दीजिए, रात को भी अल्लाह आप अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने की तौफीक दीजिए। अल्लाह हमारी जिंदगियों को गुनाहों से खाली कर दीजिए। अल्लाह हमें कामिल तकवा नसीब फरमाइए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमाइए, जो मांगना चाहिए नहीं मांग सके वो भी अता फरमाइए। अल्लाह हमारी जिंदगियों में बरकत दीजिए, उम्र में और सेहत में बरकत दीजिए। हमें बार बार रमजान की नेमत नसीब फरमाइए, लेकिन अल्लाह हमें नहीं मालूम किसे दोबारा रमजान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए अल्लाह इसी रमजान में हमारी मगफरत भी फरमा दीजिए। अल्लाह इसी रमजान में आप हमसे राजी हो जाइए, अपनी नाराजगी से और नाराजगी के असबाब से हमेशा हमारी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह शैतान से छुटकारा दिला दीजिए, नफ्स की इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमाइए, जो मांगना चाहिए नहीं मांग सके वो भी अता फरमाइए। प्यारे अल्लाह बगैर मांगे अता फरमाइए, मांगने का सलीका अता फरमाइए। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।